तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कनिष्क के कास्केट पर। कुछ लोगों ने पूछा है कि कनिष्क के कास्केट पर भगवान बुद्ध के साथ ब्रह्मा जी और इंद्रदेव क्यों हैं, और भगवान बुद्ध के आगे ब्रह्मा जी और इंद्रदेव हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, इसका क्या मतलब है। कास्केट के निचले हिस्से पर सूर्यदेव तथा चंद्रदेव क्यों हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव के निचले हिस्से पर होना क्या दर्शाता है, तो इसी विषय में मैं विस्तार से बात करने वाला हूं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें। आप लोगों के लिए एक सूचना भी है कि यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाने या फिर उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है, और ना ही इस वीडियो का संबंध राजनीति से है, तो कृपया इसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनिष्क के स्तूप पर, क्योंकि ये कास्केट कहाँ से प्राप्त हुआ था, कनिष्क के स्तूप से प्राप्त हुआ था। तो कनिष्क के स्तूप के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो कनिष्क का स्तूप है वो पेशावर से 6 किलोमीटर दूर साहजी की धेरी के खंडरों में स्थित है, जिसे अखूनाबाद क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है वो कास्केट जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग इस कास्केट को ध्यान से देखिए, ये कास्केट है कहाँ, ये भी एक प्रश्न है कि कहाँ है। ये ब्रिटिश संग्रहालय में है, और इसकी एक कॉपी पेशावर के म्यूजियम में भी रखी हुई है। और कास्केट के निचले हिस्से को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर कई चित्र बने हुए हैं और खरोस्ती लिपि में नाम भी लिखे हुए हैं, इनको आपको विस्तृत तौर पर याद रखना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कनिष्क के कास्केट के बारे में आपको जानकारी दी थी, वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए, तरह तरह के प्रश्न पूछे, सर आपने ये कैसे तय कर लिया कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये इंद्रदेव हैं, आपको कैसे पता है, अगर ये ब्रह्मा जी और इंद्रदेव हैं तो ये बुद्ध के आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं, इसका क्या मतलब है। आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने उस वीडियो में जो भी बोला अपने मन के अनुसार नहीं बोला, आप स्वयं कास्केट को ध्यान से देखिए, खरोस्ती लिपि में नाम लिखे हुए हैं। अब इनमें से कौन से ब्रह्मा जी हैं और कौन से इंद्रदेव हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जो बाएं साइड में देख रहे हो ये इंद्रदेव हैं, और बीच में भगवान बुद्ध हैं, और दाएं साइड में ब्रह्मा जी हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध के सामने ये हाथ जोड़कर क्यों खड़े हुए हैं, क्या कारण है इसका, या कहें कि क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले तो आप इनके कपड़ों को ध्यान से देखिए, ब्रह्मा जी के और इंद्रदेव के, इनके कपड़ों को देखकर आपको क्या लगता है, ऐसे कपड़े कौन पहनते थे या अभी पहनते हैं। अगर इनके कपड़ों को देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी लगते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए कपड़े। और ब्रह्मा जी के बारे में अभी मैं आगे आपको जानकारी और देने वाला हूँ। अब आप लोग कास्केट के निचले हिस्से को ध्यान से देखिए, ये बीच में कौन है, ये कुषाण राजा कनिष्क हैं। कनिष्क के आसपास कौन है, एक तरफ चंद्रदेव हैं और एक तरफ सूर्यदेव हैं। तो ये चंद्रदेव और सूर्यदेव का क्या मतलब है, ये भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था। इसका मतलब ये है कि ये राजा थे चंद्रदेव और सूर्यदेव। हमारे देश में आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सूर्यवंशी हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं चंद्रवंशी हूँ। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सूर्यवंशी हैं, तो वो कहते हैं हाँ। तो कौन से सूर्यवंशी, तो वो लोग आसमान की तरफ उंगली उठाने लगते हैं कि वो सूर्य के वंशज हैं। ये बिल्कुल गलत है, वो आग का गोला है, कोई इंसान नहीं है और ना ही उसका कोई वंशज है। आप उसे भगवान के रूप में मान सकते हो, पूजा कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करे कि मैं तो सूर्य का वंशज हूँ, उनसे ही पैदा हुआ हूँ, तो ये सिर्फ मान्यता हो सकती है, वास्तविक नहीं है ये। क्योंकि मान्यताओं में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, जो आपके मन में आए वो सोचो और उसे मानो, लेकिन जो आपने मन में सोचा है जरूर नहीं वो सच हो। तो यहाँ सीधा सा ये मतलब है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव ये राजा थे, और इन्हीं के वंशज चंद्रवंशी और सूर्यवंशी कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। कनिष्क के कास्केट के निचले हिस्से पर आप इन्हें देख सकते हो, ये इंसान थे। हमारे यहाँ क्या है कि इतिहास को इतिहास नहीं समझा जाता, बल्कि कहानियों को कुछ लोग इतिहास मानते हैं, कुछ लोग मान्यताओं को इतिहास मानते हैं,
इतिहास वो होता है जिसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों, और जिसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं उसे हम इतिहास नहीं कह सकते। अगर कोई चीज़ सिर्फ किताब में लिखी है, अगर आप उसको इतिहास मानते हैं तो सिर्फ आप मान सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक में इतिहास नहीं है।